का इतने में काई जी ने बोला चलो भाई सब शुरू करते हैं, मुझे तो सबसे मुझे तो आप रुका नहीं जा रहे अभी बोला एक मिनट बोला थोड़ा जल्दी बोल वरना तेरी काई की ना सांस रुक गई है, सांस कहीं रुक ना जाए। राम जी ने बोला अरे कैसे रुक जाएगी तेरी सांस, मैं 30 साल से तो वही रोक के बैठा हूँ ना, तेरी सांस नहीं रुक नहीं रुकेगी। काई जी ने बोला 30 सालों से हाँ उससे शादी करके तो मैं परेशान हूँ ना, उत्तर तू बोल तेरी बात हम मानेंगे, बोल तू क्या बोलना चाहता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ सोचा हूँ। कोई उल्टी सीधी बात मत बोलना, मैं और प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकती। अरे इसमें सोचना क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया है, फाइनल ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। बहुत दिन हो गए इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, ना ही कोई फंक्शन हुआ है, तो मैं सोच रहा था मैं इस घर में एक अच्छा सा पार्टी रख दूँ और ये अच्छा मौका है। जी बोला अच्छा मौका है, पूरे बुलबुल की शादी, दोनों की शादी ऐसी हुई जिसे दुनिया की आखिरी बाप की शादी कर लिए, किसी को बताने तक का मौका नहीं दिया, तो हमारे पास मौका था नहीं, तो ये यही है जश्न मनाने का मौका। तो हम सोचते हैं कि इस मरीज का सेलिब्रेशन करें। लेकिन मैम लाइन से लेते हैं, मत छूने, क्यों छू रहा है? लेकिन आप मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सेलिब्रेशन ऐसा होगा बिल्कुल रॉक कॉन्सर्ट, मस्ती धमाल के साथ होगा, खाना भी अच्छा होगा ना। हाँ सब कुछ अच्छा होगा। तू अपना जो प्रोग्राम है ना पूरा वो सब तू कैंसिल कर दे, मैं बाद में सब कुछ देख लूंगा। हाँ मैं बोलो क्या बोले थे तू? हेलो भाई, फिल्म का प्रोड्यूसर पूछ रहा है कि फिल्म में पैसा कौन लगा रहे? आपको तुम्हारी बहन है वो, और तुमने दोनों की शादी कराई है ना, तो अपने किए का नुकसान तुम्हें भरना ही पड़ेगा, पैसा तुम्हारा रहेगा ना मेरा रहेगा। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी इस रिसेप्शन। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, पैसे तुम्हें देने ही होंगे। मैंने भी बोल दिया तो बोल दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी। देखो अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो क्या क्या कर लेंगे आप? मैं दो हड़ताल कर लूंगा, और जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना मेरे घर का कोई मेंबर खाना नहीं खाएगा। आप सब मेरे साथ हो ना? बोला हाँ हाँ उधर हम तो तेरे साथी हैं, खाना तो दूर हम खाना की तरफ देखेंगे भी नहीं। अनु बोला देखो अभी मैं तो प्रेगनेंट हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ भूख हड़ताल में बैठ सकती हूँ। अनु बोला ये लो मैं तो अपना खाना भी रख देती हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है अब ये फैमिली मेरे खिलाफ यूनियन बना के खड़ी रही, कोई बात नहीं, आप सब मेरे खिलाफ नारे लगा सकते हैं, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक भूखे रहते हैं सबको। अच्छा तो मुझे चैलेंज कर रही हो, दादी से किया हुआ वादा मैं पूरा करता हूँ। अरे मुझे जिंदगी भर भूखा रहना पड़े, ठीक है मैं भी देखता हूँ। क्या बात है आज सब लोग साथ मिलकर खाना करें? चलो भाई सब शुरू करते हैं, मुझसे तो अब नहीं हुआ जा रहा है।
अरे उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बेटा जल्दी बोल वरना तेरी ताई भी नहीं तो सांस रुक जाएगी। अभी उठा रहे सांस क्या, मैं तो तेरे को 20 साल से झेल रहा हूँ। 20 साल से हाँ उससे शादी करके आना तब से झेल ही रहा हूँ। तू बोल तुझे क्या बात करनी है। थैंक यू डॉक्टर। तो मैं ये सोच रहा था, एक्चुअली सोच कर मैंने डिसाइड किया फुल एंड फाइनल ग्रीन सिग्नल के साथ कि बहुत टाइम से हमारे इस घर में कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन नहीं हुआ, तो क्यों ना एक पार्टी रखी है। और अब तो वजह भी है हमारे पास। कैसा वजह? यूरोप और बुद्धू की शादी। उन दोनों ने ऐसे शादी की है जैसे दुनिया की आखिरी लड़का लड़की है। उन लोगों ने हमें शादी पर तो नहीं बुलाया, लेकिन उनकी शादी की खुशी में हम उनकी शादी की खुशी में मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक ग्रैंड रिसेप्शन रखें जहाँ पर मैं पूरे शहर और पूरे शहर के लिए ये एक यादगार पार्टी। लेकिन इसके अभी नहीं। और लेकिन आप ऐसे मेरी बात खत्म नहीं। हाँ तो सेलिब्रेशन भी मेरी बात खत्म नहीं। तो सेलिब्रेशन भी बिल्कुल मेरे कॉन्सर्ट की तरह जिसमें नाच गाना पार्टी सेलिब्रेशन मस्ती सब कुछ होगा। और क्योंकि पूरा मेरा कुछ तो मैं इस पार्टी में इस रिसेप्शन में पूरे शहर को बुलाऊंगा। एंड दिस विल बी वन रिसेप्शन टू मैन। और जो भी मेरे इस डिसीजन के बीच में आएगा या इसे अपोज करेगा वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या बोल रही थी? देख रहे हो फिल्म का फाइनेंसर ये पूछ रहा है कि फिल्म में पैसे को लगाने पड़े। ऑब्वियसली तुम्हारी बहन की शादी है और तुमने इन दोनों की शादी चोरी छोड़ दी है तो नुकसान भी तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। पूछने वाली बात पैसा तुम्हारा होगा और नाम मेरा। सुना नहीं मैं ना नहीं सुना पैसे की पार्टी कीजिए मैं एक रुपये नहीं देने वाला। तो तुम्हें पैसे तो देना ही पड़ेगा। मैंने बोला बोल दिया नहीं दिया तो नहीं दिया नहीं दो पैसे मैं देता हूँ तुम पैसे। मैंने बोल दिया ना मैं पैसे नहीं दूँगा। मैं देता हूँ ना तुम पैसे कैसे। अरे सेम मतलब मैं बताता हूँ। ये ऑफ कर निकालोगे? मैंने बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे मैं देखता हूँ तुम पैसे कैसे नहीं दोगी। मैं तो क्या करोगे आप अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो क्या करूंगा मैं भूख हड़ताल करूंगा। आज के बाद मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मेरे साथ मेरी फैमिली में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। नहीं खाएगी ना? हाँ हाँ मैं उत्तर तू कहीं